मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नमस्ते। मैं राम केवल सर आप लोगों को गणित पढ़ा रहा हूं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जो लगभग लगभग सभी बोर्डों के लिए है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज प्रश्न रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1.1 और 1.2 सॉल्व कर चुके हैं, जो आई बटन पर क्लिक करके या प्ले लिस्ट में जा करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 1.3 पढ़ेंगे, जो आपका अध्याय पहला है उसका। उसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है परमेय और अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अपरमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जितनी भी संख्याएँ अंडर रूट में होती हैं और वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सारी अपरमेय होती हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोगों को प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो माना अंडर रूट 5, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है, तो परमेय है तो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, परमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। अतः अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या होगा, ए बटा बी। हमने माना जहां पर क्या होगा, ए बटा बी, ए व बी साभाज्य है। अब अभाज्य क्या होती है, साभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। जैसे आप 2/5 लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं। अब किसी गिनती से कटेगा दोनों, दोनों साभाज्य है, ठीक, तो इसको साभाज्य बोलते हैं। अब क्या करेंगे, अतः अब a बटा बी क्या है, a बटा बी परमेय है, अतः अंडर रूट 5 भी परमेय संख्या हुई। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो रूट 5 का वर्ग इक्वल टू ए बाई बी का वर्ग। अब कभी भी किसी भी संख्या पे रूट है और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये 5 हो जाएगी ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं ये स्क्वायर बराबर 5b2, समीकरण फर्स्ट। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, ये देखो 5b2 है बराबर, तो इसका मतलब 5 क्या है, ए स्क्वायर का गुणनखंड है। जैसे आप 20 का गुणनखंड 4×5 करोगे तो 4×5 20 बराबर है ना, ऐसे बराबर है, तो इसका मतलब जो है ये स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। इसका एक रूल है, प्रमेय 1.1 आपके बुक में दिया है कि कोई भी संख्या अगर ये स्क्वायर को किसी संख्या के वर्गमूल को भाग करती है तो वह उस संख्या के जो वर्ग है उसको भी भाग, मतलब किसी संख्या के वर्ग को अगर डिवाइड कर रही है तो उसके वर्गमूल को भी वो डिवाइड करेगी। तो ये स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, अतः ए का एक गुणनखंड 5 है होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, जब इसको ये स्क्वायर को ये मान लेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करना, जैसे a का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, तो हम क्या माना, माना ए बराबर, अब भाई 5 होगा, जैसे अगर आप जैसे मान लो 5 का 25 को 5 से भाग करोगे तो 25 आएगा, लेकिन 25 का वर्गमूल निकाल के 5 से भाग करोगे तो 1 आएगा ना। क्या फर्क देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, जब हमारा ये स्क्वायर का 5 गुणनखंड है
तो 5b² b² से गुणा करने पर ये स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अगर हमारा ये है, ये स्क्वायर नहीं है, तो 5 से भाग करने पर b² नहीं आएगा भागफल, ये भागफल ही है भाई। आप 5 से भाग करेंगे तो बराबर क्या बचेगा, यही तो b² तो कहने का मतलब b² नहीं आएगा, कुछ और आएगा। देखो यहां 5 आया लेकिन यहां 1 आ रहा है ना, तो क्या होगा। अब हम माना a बराबर 5c, ये बराबर क्या हुआ 5c। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर बराबर 5c², तो ये 25c², समीकरण 1 व 2 से दोनों से देखेंगे तो ये स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 5b², तो 5b² इक्वल टू 25c². अब 5 से उधर भाग कर दो तो 25, तो b² बराबर क्या होगा 5c². अब हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसको थोड़ा सा मिटाल देते हैं, यहां लिख लेते हैं। अतः ये का एक गुणनखंड 5 होगा। ये रूल है परमेय 1.1 के अनुसार। यहां भी अब ये क्या है, b² बराबर 5c², तो 5 क्या है, एक गुणनखंड है ना, तो b का 5 b का एक गुणनखंड है। अतः 5 ये b² का गुणनखंड है, b का भी गुणनखंड है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने शुरुआत में क्या माना था कि ये वा बी सहाभाज है, तब हमारी अंडर रूट 5 क्या थी, एक परमेय संख्या थी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि हमने जब हल किया तो ये सहाभाज नहीं है, ए का एक गुणन, ये और बी का दोनों का एक गुणनखंड 5 है, अतः दोनों सहाभाज नहीं है ना। ये वा बी दोनों का एक गुणनखंड 5 है, ये वा बी दोनों का एक गुणनखंड 5 है, अतः दोनों सहाभाज नहीं है। हमारी कल्पना का अंतर विरोध हो रहा है, मतलब हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमने कल्पना ही तो किया था अंडर रूट 5। गलत है, अतः अंडर रूट 5 अपरमेय है। चलिए मेरे साथियों,